धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। छात्रों ने अध्यापकों का किया स्वागत। नगर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर अलग अलग तरीकों से छात्रों ने अपने शिक्षकों को याद करते हुए उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं अलग अलग तरीके से अपने गुरुजनों को याद करते हुए उनके उपहार भेंट कर सम्मानित करते हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कस्बा सहित क्षेत्र में शिक्षक दिवस की धूम रही, जिसमें आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद ने अनोखे तरीके से अपने बुनियादी दौर के बुजुर्ग शिक्षकों को याद करते हुए उनके आवास पर जाकर मुँह मीठा करा साथ में फूल माला पहनाते हुए उपहार भेंट कर शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी, जिसमें प्राथमिक विद्यालय हुसैनिया इस्लामिया के वरिष्ठ अध्यापक मास्टर शफीकुर रहमान साहब और क्षेत्र के प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रवक्ता मास्टर नजमुद्दीन साहब का स्वागत किया, जिन्होंने खुशी से गदगद होकर अपने शिष्य को दुआओं से नवाजते हुए तरक्की एवं कामयाबी की दुआएं दी हैं। अपडेट मीडिया के लिए मौदहा से हमीरपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। आज आपने टीचर डे में अपने अध्यापक का सम्मान किया, क्या रही इनकी मतलब पुरानी कुछ बातें बताइए। अभी मास्टर साहब ने एक बात कही कि हम जब स्कूल जाते थे पढ़ाने तो पहले खुद यहाँ से स्टडी करके जाते थे कि कौन से मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए कि बच्चों के समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो तरीका होता है पढ़ाने का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे को इतना ज़्यादा कोशिश करके बच्चा सीख जाए अपने आप से, तो ये बहुत बड़ी काबिलियत होती है टीचर की। तो एक बात हमें याद आ रही है कि किमला पहले बोला जाता था, पूरे बच्चों को लाइन से बिठा लिया जाता था, अच्छा तीन से चालू कर देते थे, 3, 4, 5, और एक बच्चा उसमें किताब लेके बोलता था एक एक लाइन किमला, और सब लोग लिखते थे, और बाद में सबकी कापियाँ इकट्ठा कर दी जाती थी और मास्टर साहब की टेबल में रख दी जाती थी, फिर मास्टर साहब एक एक शब्द एक एक लाइन चेक करते थे कि कहीं कोई गलतियाँ तो नहीं रह गई हैं, मगर इतनी बारीकी से पढ़ाया जाता था, कोई मात्रा में कहीं गलतियाँ तो नहीं हो गई, शब्द में सा में कहीं गलती तो नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, तो फिर उसमें गोला खिंचा देते थे मास्टर साहब, फिर आखिरी में टोटल करते थे नीचे कि किसकी 5 गलतियाँ, किसी की 6 गलतियाँ, किसी की 3 गलतियाँ, और एक डंडी रखते थे अच्छी खासी, तो जितनी गलती होती थी उसके एक एक डंडी ऐसे हाथ करके वो खड़े हो जाते थे और अपने आप से उतनी डंडी मिलती थी उनको। उसका फ़ायदा हम ये बता रहे हैं कि चूँकि हुसैनिया स्कूल हमारा मोहल्ला है और जितने भी लोग अभी नौकरी कर रहे हैं या रिटायर होने वाले हैं सभी ने मास्टर साहब से पढ़ा होगा, तो चाहे नौकरी करने वाले हों या नौकरी कर रहे हों, उनसे अगर आज उन्हें इमला कोई बोले तो एक पेज अगर बोलेगा तो एक शब्द की गलती एक मात्रा की गलती नहीं निकाल सकता है। ये अंतर था आज की पढ़ाई में उस जमाने की पढ़ाई में, क्योंकि बहुत ईमानदारी से मास्टर अध्यापक थे, कोशिश करते थे कि बच्चों को कुछ दिया जाए, सीखें बच्चे। और आज के हम पेरेंट्स से कहना चाहते हैं कि लाखों रुपया बच्चों के ऊपर खर्चा होता है, बड़ी चमक दमक दिखती है स्कूलों में, और आप कभी चेक करें बच्चे को एक पेज इमला बोल के, और अगर वो सही लिख देते हैं एक पेज में गलती नहीं करते हैं तो आप ये माने कि आपका पैसा वसूल हो रहा है, सही जगह जा रहा है, वरना आप ये मान के चलेंगे आपके साथ धोखा आ रहा है। तो ये पहले के लोगों में और पहले के जो टीचर थे उनकी ईमानदारी में और आज के टीचरों की ईमानदारी में ये फर्क है। और हाथ मिलाइए, थैंक यू। भाई चैम्बू में लगा लीजिए, बस ये गुलाम भाई के रेडी हाथ लगाइए, भिजवा दीजिए, बस बस हो गया। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में,
तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।